जनता के लिए यही संदेश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे पहले ही इसमें अपील किया है, अनुरोध किया है कि इस वक्त अगर बहुत ही आवश्यक ना हो तो कोई भी व्यक्ति अपने घर से ना निकले। अगर कोई घर से निकलने की नौबत आती है बहुत अत्यावश्यक कंडीशंस में, उस कंडीशन में वो निश्चित रूप से अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने मुंह को नाक को कपड़े से ढक करके निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि कम से कम सामने वाले व्यक्ति से 1-1.5 मीटर की दूरी जरूर लगातार बना के रखें। अगर हर कोई ऐसा प्रैक्टिस करता है, अनावश्यक घर से नहीं निकलता है, जो लॉकडाउन है लॉकडाउन के आदेश का पालन करता है, तो हम लोग 21 दिन में कोरोना से जो हमारी लड़ाई है उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो यही अपील सबके लिए है, इसका पालन करें। देखिए जितने भी एसेंशियल सप्लाईज़ है, जिसमें कि किराना का सामान है और दवाओं की सप्लाई है, इसके अलावा दूध और सब्जी तथा फल का है, तो इन सब के लिए जिला प्रशासन ने पूरे जनपद में होम डिलीवरी की व्यवस्था कराई है। जैसे किराना की जो है 339 जो दुकानें हैं उनको होम डिलीवरी के लिए आदेश दिया गया है। ऐसे ही दवाओं की 467 जो दुकान है उनको होम डिलीवरी के आदेश दिए गए हैं। 155 गाड़ियाँ जो हैं वो सब्जी और फल के लिए पूरे जनपद में डोर टू डोर चलाया गया है और अब तक 64 वाहन जो हैं वो दूध के डोर टू डोर जा रहे हैं। तो यहाँ पे व्यापक व्यवस्था हम लोगों ने की है कि किसी भी प्रकार के एसेंशियल सप्लाई जो है उसको कोई ब्रेक ना होने पाए और लोग आसानी से जो है लॉकडाउन में अपने घर के अंदर सामान्य तौर से जी सकें। सर थोक 10:02 सुबह 10 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे तक ये जो है हमारे रिटेल के जो शॉप्स हैं यानी कि खुदरा के जो हमारे व्यापारी हैं वो अपना दुकान खोल सकते हैं, और 2 बजे दोपहर से लेकर के शाम को 6 बजे तक जो हमारे थोक के व्यापारी हैं वो अपनी दुकानें खुले रखेंगे। तो ये टाइमिंग किया गया है, इसको स्टैगर इसलिए किया गया है, इकट्ठा दोनों दुकानें खोलने से दुकान मार्केट में ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, जो अच्छी बात नहीं होगी। और इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि जितने भी हमारे फुटकर के जो व्यापारी हैं उनको अपना सप्लाई लेने के लिए यानी कि उनके पास स्टॉक बना रहे इसके लिए उनको अलग टाइमिंग की आवश्यकता होगी, ताकि वो चाहे तो थोक विक्रेता के यहाँ जाकर के या थोक विक्रेता को ऑर्डर करके उनकी गाड़ियों के माध्यम से अपने दुकान पे जो 2 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक वो अपनी सप्लाई चले सकते हैं। क्या करवाएंगे? देखिए इसके लिए पूरे हम लोगों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज कोई भी आदमी खुले में ऐसे बिना पर्पज़ के नहीं घूमेगा। अगर कोई घूमेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।